साथ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट पर है, लोगों से मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोविड वायरस के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 21 मामले भी सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट के बाद अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना पर केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी नजर बनी हुई है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश भर में एक्टिव केस 1296 आपको बता दें हैं और एक केस गाजियाबाद में भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना का एक केस मिला है। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी पार्षद को होम क्वारंटीन किया गया है फिलहाल और कोरोना के नए वेरियंट की जांच के लिए उनका सैंपल जीनोम सिक्वेंस के लिए अभी फिलहाल लैब भेजा गया है। बीजेपी पार्षद के परिवार की दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। गाजियाबाद में करीब 8 महीने के बाद कोविड का केस मिला। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज भी अहम दिन है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की मांग की है। वाराणसी कोर्ट में 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की थी। तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे ASI ने किया है। इस रिपोर्ट से जुड़ी और जानकारी आपको दे देते हैं। 18 दिसंबर को ASI ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई है। ASI की सर्वे रिपोर्ट 1500 पन्नों की बताई जा रही है। सर्वे में मिले अवशेषों को भी कोर्ट में रखा गया है। सीलबंद रिपोर्ट पर हिंदू पक्षकार ने आपत्ति जताई, वहीं मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विरोध किया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल को लेकर इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा आज पूरे देश भर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने यह कहा है कि बीजेपी पूरे देश में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पुतला फूकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से इंडी गठबंधन का रवैया सामने आया है, उसके बाद से अब बीजेपी ने भी तमाम जो विपक्षी नेता है उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से राहुल गांधी का पुतला भी फूंका जाएगा। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत गरमा गई है। खबर के साथ TMC सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के बाद की गई। कल संसद के बाहर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी बनाते हुए देखे थे। पुलिस ने इस शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, कल दरअसल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिमिक्री की गई MC सांसद की ओर से, और इसका वीडियो कौन बना रहा था? राहुल गांधी। अब इसी को लेकर TMC सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं।